हेलो डियर एंड वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल किड्स लर्निंग विद फन। अकॉर्डिंग टू ऑस्कर वाइल्ड द बेस्ट वे टू मेक चिल्ड्रन गुड इज टू मेक देम हैप्पी। लेकिन आज के टाइम में आपने भी देखा होगा कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं और ये एक चिंता का टॉपिक है। इसलिए आज अपने इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है हाउ टू ओवरकम एंगर इन किड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं कि आज के टाइम में बच्चों को छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वे एक दूसरे बच्चों से लड़ाई करते हैं, दूसरों के साथ एब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जानबूझकर चीजों के साथ तोड़फोड़ करते हैं। पर क्या आपको लगता है कि इसमें सिर्फ बच्चों का ही दोष है? नहीं, ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों का बिहेवियर एग्रेसिव बनता जा रहा है और उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। चलिए अपने इस वीडियो में हम ऐसे कुछ रीजंस को डिस्कस करते हैं। आज के टाइम में मोस्टली फैमिलीज में मदर एंड फादर दोनों ही वर्किंग होते हैं और वे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से पेरेंट्स मेड्स पर अपने बच्चों को डिपेंड कर देते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बच्चे अकेलापन फील करते हैं और साथ ही ना ही उनमें अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं और ना ही बच्चों में सही गलत की फीलिंग्स डेवलप होती हैं। जब बच्चे की बात पेरेंट्स नहीं सुनते तो वे अनवांटेड फील करते हैं और उनका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव बन जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करने लग जाते हैं, जैसे उनका बच्चा तो हमेशा फर्स्ट आता है तो तुम ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करते, उनका बच्चा कितना वेल बिहेव्ड है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं बन सकते। इस तरह के कंपैरिजन से बच्चों के इमोशंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स के लिए उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उनमें इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग डेवलप होती है और इस कारण बच्चे छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा करने लगते हैं। कई बार पेरेंट्स आपस में आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या लड़ाई करते हैं और कई बार अपने बड़ों के साथ बात करते समय एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं। उनके इस बिहेवियर को देखकर बच्चे भी उनके जैसा ही बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं। अपने पेरेंट्स को लड़ाई करते हुए देखकर बच्चे भी लड़ाई करना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके पेरेंट्स ऐसा बिहेवियर करते हैं तो ये ठीक ही होगा। इस वजह से उनका बिहेवियर नेगेटिव बन जाता है और बच्चे सोसाइटी में भी नेगेटिव बिहेवियर जैसे गाली गलौज, मारपिटाई, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने सपने पूरे करने का जरिया बनाते हैं। पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि बच्चे क्या बनना चाहते हैं। पेरेंट्स उनकी फीलिंग्स को और उनके इमोशंस को दबाते हैं और जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता वो करने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बच्चा प्रेशराइज होता है और जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो उसमें एंगर, एंजाइटी जैसी फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती हैं। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बंद कर देता है और वो हमेशा स्ट्रेस में ही रहता है। आजकल बच्चे हेल्दी फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने की कंपैरिजन में अनहेल्दी फूड जैसे जंक फूड, चिप्स, चॉकलेट खाना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि बच्चों में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे उनमें डिफिशियंसी डिजीजेस होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से
बच्चे फिजिकली और मेंटली अनस्टेबल रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें फीलिंग ऑफ एंजाइटी और एंगर डेवलप होने लग जाती है। ये वो कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से बच्चों में एंगर, एंजाइटी, नेगेटिव इमोशंस डेवलप होने लग जाते हैं। चलिए अब हम कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो बच्चों को उनके एंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इस तरह की और यूजफुल वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं वेज टू ओवरकम एंगर इन किड्स। फर्स्ट मेथड, प्रैक्टिसिंग योगा और मेडिटेशन। योगा एक आर्ट है जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें मेंटल पीस मिलता है बल्कि फिजिकली भी हम हेल्दी महसूस करते हैं। योगा प्रैक्टिस की वजह से हम अपने स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को मैनेज कर सकते हैं और अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं और रिलैक्स फील कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, डू एनी ऑफ योर फेवरेट एक्टिविटी। दोस्तों, जब भी हम अपनी पसंद की कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें उसमें बहुत मजा आता है। इसी वजह से बच्चों को गुस्सा आने पर उन्हें उनकी कोई भी फेवरेट एक्टिविटी जैसे स्केचिंग, एक्सरसाइज, डांसिंग, रीडिंग बुक्स करनी चाहिए, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा और वे अपने एंगर को कंट्रोल कर लेंगे। थर्ड मेथड, सेल्फ रिफ्लेक्शन इन मिरर। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखना हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों, जब भी नेक्स्ट टाइम आपको गुस्सा आए तो मिरर के सामने खड़े होकर अपने रिफ्लेक्शन से बात करें, तरह तरह के फनी फेसेस बनाएं और देखना, यकीनन कुछ ही मिनट्स में आप लाइट मूड में आ जाएंगे। फोर्थ मेथड, टेक डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट बैक काउंटिंग। बच्चों, गुस्सा आने पर आपको लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए, क्योंकि गुस्से की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। पर जब आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज होती है और आप काम और हैप्पी फील करते हैं। साथ ही आप 20 से 1 तक बैक काउंटिंग कर सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करने का ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। फिफ्थ मेथड, टॉक टू योर फेवरेट टॉयज एंड फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जब भी आपको स्ट्रेस फील होता है तो आप अपने मन की बात अपने किसी फ्रेंड से या पेरेंट से या इवन अपने किसी फेवरेट टॉय से शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके मन में जो एंगर या फ्रस्ट्रेशन है वो किसी से शेयर करने की वजह से आपके मन से निकल जाएगी और आप काम और रिलैक्स फील करेंगे। बच्चों की अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे फूलों की तरह मासूम होते हैं। यदि हम कुछ टाइम तक फूलों की देखभाल नहीं करते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समय के साथ वो भी मुरझा जाएंगे और उदास रहने लग जाएंगे। इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ रोज कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। बच्चों के लिए अपना लव और केयर जरूर शो करें। अगर पॉसिबल हो तो बच्चों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स भी खेल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों को किसी भी टॉपिक पर अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का मौका जरूर दें, ताकि आपके बच्चों की सोच जानने का मौका आपको मिले और साथ ही बच्चों को भी ये लगे कि आपकी लाइफ में उनकी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। बच्चों को हेल्दी डाइट प्रोवाइड करें ताकि बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो और वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बने। साथ ही हमारे नेशन को बेहतरीन सिटीजन्स मिल सकें। फ्रेंड्स, ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जिससे आप अपने इमोशंस और एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ
ये वीडियो आपको आपके बच्चे के अपब्रिंगिंग में हेल्प करेगी। इसमें जो एंगर कंट्रोल के मेथड बताए गए हैं वो सिर्फ बच्चों पे ही नहीं बड़ों पर भी अप्लाई हो सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।